आज वृद्धि योग में अपने पहने हुए किसी कपड़े में आप ये गड्डियाँ बांध दें, या आप जितने भी नोट आपके पास हैं उनको बांध दीजिए और ये शब्द बोल दीजिए 7 बार। आपकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आने लगेगा, आपको खुशियों में वृद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। वृद्धि योग ऐसा चमत्कारिक होता है और वृद्धि योग आता ही रहता है। ये नहीं कि आज मिस कर जाएंगे तो अगली बार वृद्धि योग नहीं आएगा, अगली बार भी जब भी वृद्धि योग आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन आज के ये दिन है बहुत शुभ है, कामी का एकादशी है, संडे का दिन है और इस दिन को आप सदुपयोग करें। और वृद्धि नामक शुभ योग है, वृद्धि नामक योग है जो आपके धन को बढ़ा सकता है। तो धन को बढ़ाने वाला उपाय बता रही हूँ आपको, किसी भी पुराने कपड़े में अपने नोट बांध देने हैं और आपको 7 बार बोलना है ये शब्द जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, 7 बार बोलें। फिर बोलें, मेरे पास पैसा हमेशा आता रहता है, मेरे पास पैसा हमेशा आता रहता है, मैं पैसे वाली हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पैसे वाली हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। ये शब्द की चैंटिंग 7-7 बार करें, मतलब कुल मिला के 21 बार हो जाएगा। और 21 बार होने से ये चमत्कारिक फल आपको देगा, क्योंकि रेकी विद्या में भी 21 बार या 21 दिनों का बहुत महत्व है और रेकी की पावर भी आपको इस जरिए प्राप्त हो जाएगी 21 बार टोटल बोलने से। और 7 का अंक तो वैसे भी अचानकता का है और 7 बार बोलने से अचानक आपके जीवन में धन आता है। तो इस अवसर को जाने ना देवें, वृद्धि योग का लाभ उठाएं और ये पुराने कपड़े में, पहने हुए कपड़े में, बिना धुला हुआ होना चाहिए आपके पहने हुए कपड़े में, ये बांध दीजिए पैसे नोट, मतलब किसी भी अमाउंट का नोट आप बांध सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास थे तो मैंने बांध दिए, आपके पास जो भी नोट अवेलेबल है, आपके पास 2000 का नोट है वो भी आप बांध सकते हैं। कुल मिला के किसी भी नोट को आप बांध सकते हैं, वो सड़ा गला पुराना नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, टेप लगा हुआ नहीं होना चाहिए, उस पर कोई टीका विका निशान नहीं होना चाहिए, उस पर कोई संख्या लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें, उस पर कोई शब्द लिखे हुए नहीं होने चाहिए। साफ़ सुथरा नोट लेना है आपको और पुराने कपड़े में बांध देना है। ये आपकी किस्मत को ऐसा जगाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। अभी श्रावण मास का ऑफ़र दिया जा रहा है, 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। श्रावण मास के अवसर का लाभ उठाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस दी जा रही है, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले कांटेक्ट करेगा उसको पहले मशवरा दिया जाएगा, सलाह दी जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। सभी सर्विस चार्जेबल हैं, क्योंकि जो ज्योतिष का नियम है, बिना दक्षिणा के आपको कोई भी शुभ फल घटित नहीं होंगे आपके जीवन में, अशुभ ही अशुभ होगा। अगर आप ज्योतिषी का मन दुखाते हैं, ज्योतिषी को दक्षिणा नहीं देते हैं, तो शुभ फल की प्राप्ति करने के लिए आपको नॉमिनल सी दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। अगर आप सक्षम नहीं हैं दक्षिणा देने में, तो आप मंदिर में जाके किसी भी दैवज्ञ से सलाह ले सकते हैं। मंदिर में बैठे हुए ज्योतिषीगण भी बहुत विद्वान होते हैं, छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे क्वार्टर्स में बैठे हुए भी ज्योतिषी विद्वान होते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। उनकी फ़ीस बहुत कम होती है और ज्ञान अद्भुत होता है उनका। तो उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सबसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।